दोस्तों नूं बहुत ही प्यार भरी सत श्रीकाल जी। तो आपां अज गल करदे आं मानसिक सेहत दी। आपां शुरू च ही गल कीती सी कि सेहत दे तीन पक्ष ने, वैसे तां चौथा भी हुंदा पंजवां भी हुंदा। तीन पक्ष कहिहड़े कहिहड़े ने? शरीर की सेहत, मन की सेहत, ते तीजा आम तौर पर किताबों च नहीं पढ़ाया जाता, पर मैनू लगता इहनूं थोड़ा जिहा वक्खरा करके लैणा चाहिए। सैक्स की सेहत, यानी कि बच्चे प्रजनन क्रिया की सेहत, यानी कि अगर बच्चा पैदा करना, हर प्रजाति की अपनी एक बहुत मुढ़ली लोड़ हुंदी है, उहदे बिना कोई भी प्रजाति जिहड़ी है उह जिहड़ी जिउंदी नहीं रह सकदी। बच्चा पैदा करन की जिहड़ी क्षमता है, समर्था है, वह पूरी ऐन प्रचंड होनी चाहिए है। जिहड़ी जिहड़ी भी सभ्यता की, जिहड़ी भी समाज की बच्चा पैदा करन की समर्था कमजोर होगी, वह समाज हौली हौली गर्क 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 जाएगा। और बहुत सारे जानवरों के अंदर ये अरलाली वर्तारा देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे जानवर जो गायब हो रहे हैं, वो इसी प्रक्रिया थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रजनन क्रिया खराब हो रही है। और ये वर्तारा बहुत पूरी दुनिया के अंदर दिख रहा है, पूरे इंडिया के अंदर दिख रहा है, और पंजाब च खास करके बहुत तीव्र वर्तारा है। तो वो गल भी कहीं करा प्रजनन क्रिया की। आपां तीजा पक्ष ये लिया प्रजनन क्रिया का, चौथा पक्ष समाज की सेहत हुंदा, पंजवां पक्ष अजकल WHO भी उन्हें मनन लग गया, अध्यात्मक सेहत, स्पिरिचुअल हैल्थ, स्पिरिचुअल हैल्थ। तो वो आप मानसिक सेहत की गल करांगे कि मन जिहड़ा है वह किवें सेहतमंद रखा जाए। अज आप जो करोना के दौर चो लंघ रहे हैं, तो आप आले दुआले अपने देख रहे हैं खास किस्म का वर्तारा, जिसे कि मन जिहड़ा है लोगों का बहुत विचलित है, बहुत नकारात्मक भाव बहुत दिख रहे हैं, और डर, भय, चिंता और इदा के जो वर्तारे ने, कि एक दूजे नाल ते शक करना, एक दूजे नूं अजीब नज़र नाल देखना, तो इस किस्म का वर्तारा जिहड़ा कितें ना कितें दिख रहा है। तो उहदियां जिहड़ियां मानसिक सेहत की, ठीक मानसिक सेहत कि होंगी है, तो बीमारी मानसिक बीमारी कदों कहने हैं। जो आप मानसिक बीमारियों की पहला गल करा तो शायद मानसिक सेहत समझ थोड़ी समझ आ जाए, सौखा हो जाए। मानसिक बीमारियों चो आप दो हिस्सों में बनते हैं मानसिक बीमारियों, एक होंगे ने छोटिया मोटिया मानसिक बीमारियां, उसका मतलब की है कि जो 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 बंदा मानसिक तौर पर बीमार आप कह सकते हैं विचलित कह सकते हैं, वो बंदा जिंदगी की रियलिटी नाल, जिंदगी की सच्चाई नाल जो कनैक्शन टुटता नहीं है, वो टुटता नहीं, कनैक्शन उन्होंने समझ आती रही है। चिंता मतलब चिंता दो किस्म ज्यादा माइनर चिंता रोग से उदासी रोग, और दोनों का गठजोड़ हूँ आम तौर पर। चिंता रोग भी उदासी रोग हूँ। तो मन पहली गल तो बड़ा बड़ा स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि मन से सेहत, मन से शरीर इको ही सिक्के दो पासे हैं। अगर शरीर बीमार होंगे तो मन बीमार हो जाता है, अगर मन बीमार होंगे तो शरीर बीमार हो जाता है। सो इन्हों तोड़िया नहीं जा सकता कदे भी कदे भी, क्योंकि शरीर का ही मन है ना, शरीर का ही मन है, माइंड 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 जिहड़ा है ये शरीर का है, वो शरीर की होंद करके मन है, अदरवाइज यूनीवर्सल मन मन भी हैगा। तो वो जी जी योगा के अंदर अड अड किस्म के शरीर मने जाते हैं, जिहड़े आ अन्नमय कोश ते मनमय कोश ते जो है प्राणमय कोश। तो अगे गहरे तो गहरा, गहरे तो गहरा, तो शरीर जिहड़ा है स्ट्रक्चरल पार्ट है, ढांचा है, और मन जिहड़ा है किसम का अदिख है, मन नूं तुसीं देख नहीं सकते, कोई बंदा यह नहीं कह सकता आला मेरा मन आ पिया। ये भी हुण गलत सिद्ध हो गया कि मन जिहड़ा है, बहुत लोग कहिंदे सी मन इत्थे है, मन इत्थे है, ये भी रॉन्ग प्रूव हो गया साइंस से। मन जिहड़ा है कोई इत्थे इत्थे मन नहीं है, ये सिर्फ एक ऑपरेटिव पार्ट है, ऑपरेटिव पार्ट है, लेकिन मन जिहड़ा पूरे शरीर च हुंदा, पूरे शरीर का मन है, मन है, मन आपां आम भाषा च वी कहिंदे मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की गल, मन मेरे दिमाग की गल, जिगर का टुकड़ा, यानी वो कितने ना कि मन जिहड़ा इहदा मतलब मन जिहड़ा वो सारे शरीर का ही मन हुंदा, और कल्ले कल्ले सैल का अपना मन हुंदा, कल्ले कल्ले सैल अपने आप चो अपनी अपनी चेतना रखता, और फिर वो चेतना बड़ी चेतना नाल जुड़ी हुई है।
शरीर के हर हिस्से जे विच चेतना है। चेतना का बाहरी रूप एक मन है, बुद्धि है, विवेक है, और वो चेतना जिहड़ी है यूनीवर्सल चेतना जुड़ी हुई है, जिन्हों आप कह सकते हैं परमात्मा की चेतना, जिहदी आप बहुत वारी गल करते हैं। विज्ञान नूं क्वांटम ऊर्जा कहिंदा, रब नूं परमात्मा कहिंदा, और यूनीवर्सल ऊर्जा उस ऊर्जा का ही साडा मन जिहड़ा है एक हिस्सा है, छोटा जिहा हिस्सा है, लेकिन वो वर्गा ही है, वो वर्गा ही है, रादर उदा दिखण वाला पार्ट है, उदा दिख है ना, जिहड़ी यूनीवर्सल ऊर्जा उदा दिख है, तू देख पाउणा एडा सौखा काम नहीं है। ताही तो बहुत लोग उलझते हैं, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कोई किदां दा आस्तिक है, कोई किदां दा नास्तिक है, तो भांत भांत वरायटी बहुत हो गई, क्योंकि तू देख पाउणा अगर इन्ना सौखा हुंदा तो फिर तो एक ही होना सी, पूरी मनुखता का एक धर्म होना सी, एको तरीका होना सी, अड्डा नहीं सी होने, क्योंकि उन्हें देखना औखा है, क्योंकि बाकी मन जरा स्कैटर्ड बहुत है, खंडिया पुंडिया हों, खंडाओ पुंडाओ जरा वो करके ही मानसिक सेहत खराब होंगी है। तो मन जरा पूरे पूरे शरीर का होंगे, पूरे सैलों का होंगे, जो दिमाग है वह सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट है, यानी कि उन्होंने चलाने वाला, एक्शन च लिया वाला चेतन तौर पर, लेकिन अचेत मन बहुत बहुत कुछ करता है। आप ला लीए 80% मन जो अचेत ही है, वो अपने आप कम करता रहता, वो मेरे मैनू पुछ के जब इतों ऑर्डर लेके जा इतों ऑर्डर लेके नहीं नहीं करता कम। तो उस कमाल की गल यह है, तुम सारे हैरान होवोगे जान के, शायद थोड़े नोटिस नहीं होना बहुत ज्यादा, कि मन जिन्ना कैमिकल के सिर पर चलता है, वह जो मैं बी बी एस करता सी तो वह सारे 5-7 कैमिकल पढ़ा देते सन, भी आ फला 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 कैमिकल है, कोई कोई कहता सी एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है, सेरोटोनिन है, कोई इदा दे किन्ने एसिटाइलकोलिन है, तो वह 5-7-10 होंगे सी। अज इस वे साइंस ने तरक्की करते करते 350 कैमिकल शरीर च प्रोड्यूस होंगे हैं, जिसके सिर पर साड़ा माइंड ऑपरेट करता सारी बॉडी को, 350 हुण तक जो पछाणे जा चुके, कल वधी जा रहे, लगातार वधी जा रहे। तो मन अलग अलग जिस किस्म की प्रक्रिया करता है उस किस्म का कैमिकल सिक्रीट हो जाता है, तो वह फिर अगे असर होंगे बहुत सूक्ष्म लैवल से। तो मन जिहड़ा इस तरह कुछ कैमिकल दे काम करता है, और कैमिकल जिहड़े ने वो कौन प्रोड्यूस करता है, वह 80% कैमिकल जिहड़े ने साडे वो दोस्त बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो साडी अंतरियां च बैठे हैं। तो 80% आवर माइंड इज इन आवर गट, साडी अंतरियां च 80% मन, वो जिहड़े साडे दोस्त ने वो साडे यूजफुल जिहड़े कैमिकल ने, जिन्हां दे सिर ते साडा ब्रेन साडा माइंड काम करता है, वो साडे दोस्त बैक्टीरिया बनाउंदे आ। जिन्हें पावरफुल होंगे उन्हें साड़ा मन हैल्दी होएगा, जिन्हें वीक होंगे उन्हें मन साड़ा वीक होएगा, तो 80% तकरीबन लोग काम करते हैं। तो वह कितना कितने जो माइंड जो सूक्ष्म कैमिकल ने, सूक्ष्म जो कैमिकल ने, बहुत सूक्ष्म कैमिकल ने, और उन्होंने सूक्ष्म कैमिकल में जो कोई भी स्ट्रोंग कैमिकल असी हवा च लैंने, पानी च लैंने, फूड च लैंने, दवाइया की शक्ल च लैंने, तो सारे डिस्टर्ब करते हैं। तुम पाओगे कि जो मानसिक रोगी होंगे हैं जो दवाइया खाने लग जाते हैं तो कभी तंदुरुस्त नहीं होंगे, सारे का थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि अभी लैता जाने उन्होंने मानसिक रोगी वाले को सोच के लै जाने भी ठीक हो जाएगा, पर मानसिक रोगी वाला बंदा कभी भी जब तक दवाइया तद तक ठीक नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, उन्होंने बीमारी दलामत घट जा खत्म हो जाए, दवाइया दलामत आनी शुरू हो जाए, कोई बंदा वध सौ रहा, कोई घट सौ रहा, कोई बिहेवियर ठीक नहीं है, कोई 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 किसी डर लगी जा रहा, कोई ना कोई कोई ना कोई शरीर से असर है, शरीर पर असर है, किसी को कब्जी हो गई, किसी को भूख नहीं लग रही, किसी का एकदम पेट खराब हो गया हो रहा, किसी की दिल की धड़कन वध है, घट है, कुछ ना कुछ जो जो भी स्ट्रोंग कैमिकल आप पावे, चाहे हवा तो आन, चाहे पानी तो आन, चाहे फूड तो आन, चाहे दवाइया की शक्ल चाहन, जे बॉडी जे असी गुस्सा करके वायलेंस करके सारे सारे कितने ना कि उन्होंने डिस्टर्ब करते हैं। साढ़े जो सूक्ष्म कैमिकल ने बहुत सोल जे कैमिकल ने जो कि ब्रेन की माइंड की फंक्शनिंग यूनिट ने उन्होंने डिस्टर्ब करते हैं। तो जिहड़ी अलामत होंदियां ने मनोरोग दियां मानसिक रोग दियां, वो होंदी सब तो पहले है चिंता, टेंशन बड़ा अजकल पॉपुलर, बड़ा टेंशन है मैनू अजकल, जो 70-80 साल की माता भी आँदी ना वो भी कहती मुझे टेंशन बहुत है। तो टेंशन का की मतलब है कि वो जी लगातार वो मन जिहड़ा वो एट ईज नहीं है, खुश नहीं है,
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਆ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਐਟ ਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਹਵਾ ਹਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ ਆਪਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਟਿੱਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਿਉਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਰੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, AN ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਰੋਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੋਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਚਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਰੇਗਾ, ਅੰਨੀ ਅੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਇਲਨੈਸਿਸ ਨੇ, ਮਾਈਨਰ ਇਲਨੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਮਨ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੈੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਵਾਕ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਰੋਗ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੋ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਮਾਈਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਰ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਗੁੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਗੇ ਫਿਰ ਮੇਜਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਮੇਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭੜਕ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ, ਡਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ, ਡਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ 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 ਚਿੰਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵਾਰ 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 ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।
इस तरह डिप्रैशन है, डिप्रैशन साडा बहुत बड़ा दोस्त है। सानू डिप्रैशन होंदी है, कोई गलती होगी साथ, गलती होगी किसी ने तो उच्चा नहीं मैं बोलिया गया, किसी गाल कढ़ी गई, किसी थप्पड़ मारिया गया गलती ना, बच्चे दे मार देने सी, बच्चे दे मार के जो माँ मार दें तो किन्नी अंदरों हो तंग होंगी बाद चो भी हाए मैं क्यों मारिया, कई बार सोची जाती उस गल बहुत उदास होंगी इस गलते उधर की लैसन बन जाता, सबक बन जाता भी नहीं अगे तो नहीं मैं कभी मैं नहीं करूँगा कि इदा। इस तरह डिप्रैशन जरा डिप्रैशन तुम्हें गलत काम करने रोकता है। डिप्रैशन एक बहुत प्यारी एक भावना है कि तुम गलत काम कर जा रहे हो, गलत काम करता थोड़े मन च एक प्रैशर बन गया आह काम गलत हों नहीं करना चाहिए तो उस बस अगली बार असं सुधार लाँगे, उन्हें सू डिप्रैशन किया कि हाया मैं क्यों किया इदा, मैं उन्होंने क्यों क्यों बंदा बोलिया, क्यों वो किसी कोई असं मान लो किसी तो कोई झूठ बोलता तो अभी बाद पछताने कि झूठ बोलता वो मैं मेरा मेरे एक बार मेरे मन से माड़ा प्रभाव पैगा, मैं डिप्रैशन होएगा, मैं अपने आप से जिन्होंने कहें गिलानी आएगी कि मैं गलत वो साढ़े तो एंग्जायटी भी डिप्रैशन भी दोनों दोस्त ने साढ़े एक सीमा के अंदर तो जो कदों कदों साढ़े दुश्मन बनते हैं कदों सानू नुकसान करते हैं जो लोड़ तो वध हो जाते हैं भारू हो जाते हैं साढ़े शरीर के उपर सानू आउट ऑफ टच कर देंगे रियलिटी के जां लंबे हो जाते हैं कि कारण भी चला गया उदू बाद भी अं सोची जाने कोई एक विचार घूमन के नहीं बन जाता अक्सर तुम लोगों देखोगे कि जो लोग अजकल कह मेरा जी विचार आई जाते हैं पुठ सीधे विचार आई जाते हैं तो वो पुठ सीधे विचार जोड़े ने अलग अलग परसनैलिटी के हिसाब न समय के हिसाब न कई बार बंद बहुत सारे बाकी हालातों के हिसाब न कोई भी सिमटम प्रोड्यूस हो सकते वो एग्जैक्टिव भी कर सकते हैं चिंता भी चिंता चिंता च की होगा चिंता दिल की धड़कन तेज हो जाएगी घबराहट होएगी जी नींद नहीं आएगी डिप्रैशन च उल्टा होएगा कि कोई काम करने जी नहीं करेगा जरा रसन जी नहीं करेगा गासे वाली गल को करेगा तो स्यासा ही नहीं आएगा रोटी खाने टाइम तो रोटी खाने जी नहीं करेगा बच्चे को जिद बच्चा आ गया थोड़े सामने को बहुत नीर एंडी दोस्त आ गया तो गल करने जी नहीं करेगा वो डिप्रैशन की फीलिंग होगी तो ये रूट कॉजेज लगभग लगभग इको जे होंगे हैं वो डिपेंड करता है कि समय के हिसाब न हालात के हिसाब न बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से अलामत अलग अलग होंगे कई डर भर हो जाता डर लगन लग जाता तो ये सारिया अलामत जी ने कितने कितने अल्टीमेटली मानसिक जी विकृति बन जाए रोग कह लो मानसिक रोग कह लो रोग बन जाते हैं तो ये माइनर जोड़े ने उस तो बाद जो बहुत ज़्यादा हो जा भारू हो जाए तो फिर वो मेजर बन जाते हैं व्डे व्डे रोग की होंगे कि बंदा रियलिटी के आउट ऑफ टच हो जाता आउट ऑफ टच हो जाता फिर पता नहीं लगता मैं की कर रहा की नहीं कर रहा वो अंदर कई किस्म दलामत ने कई गुस्सा बहुत ज़्यादा आता गुस्सा इन्ना ज़्यादा आता कि हिंसा करते हैं भांडे तोड़ते हैं घर की कोई चीज़ तोड़ देंगे बंद कुटमार कर देंगे वही हिंसा भी कर सकता कोई बंदा कोई बड़ा सट फेट मार दे गुस्सा बहुत ज़्यादा इस तरह डिप्रैशन भी जरा इन्ना ज़्यादा भारू हो सकता थोड़े उपर तुम सुसाइड तक नौबता जाए हूँ फिर मेजर बड़ा डिप्रैशन कह सकते डिप्रैशन बहुत ज्यादा बदल के फिर बाइपोलर डिसऑर्डर बाइपोलर आ जाते एक एक फेज चलती है बंदा डिप्रैशन चली जाता एक फेज चलती बंद हाइपर हो जाता टिके नहीं बैठता कुछ ना कुछ करी जाता भन तोड़ करी जाता भन तोड़ करी जाता कुछ ना कुछ उन्होंने बाइपोलर कह दें भी साइकिल आता एक साइकिल आया तो बंदा डिप्रैशन चला गया गल नहीं कर रहा बोल नहीं रहा खा नहीं रहा इवन इतों तक आ जाते हैं बंदे कि नौ उठ के नहाना नहीं है सस्सू पटनी टाइम पर नहीं जाना कप गंदे कपड़े पाई फिर गंदे कपड़े पाई फिर बाल नहीं बाने इस लैवल से आ जाते हैं बंदे वो भी एक बड़ा बड़ा कारण बन जाता इसे तो कई बार कई एंग्जायटी भी बहुत ज़्यादा भारू हो जाती है तो वो बड़े फिर जो शिजोफ्रीनिया आ जाता है शिजोफ्रीनिया के अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है कि बंदा एक बार गल करता करता बहुत वधिया वधिया चल रहा है दूजे पलों बिल्कुल ही कुछ होर बंदे बिहेव कर ला जाता लगता नहीं भी प्रो ही बंदा कि होर है ये बड़े होंगे ये बड़े जो जो मेजर होंगे जो बंदा आउट ऑफ टच हो गया रियलिटी के ये मैनेज करने बहुत औखे होंगे एक घर के अंदर बहुत दूजा दूजा लिए खतरे खतरा खड़ा कर सकते हैं हिंसा कर सकते हैं मारकुट कर सकते हैं कोई तोड़ सकते हैं अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं ये जी हालत होंगे ने फिर ये अंदर हमेशा सानू जी कोई ना कोई दवाई की मदद लेनी पैंती है दवाइया के सत्ते फिर उन्होंने लेकिन दवाइया जी सैकटरी दवाइया बारे मेरा जरा परसन निजी तौर पर तजर्बा बहुत ही माड़ा है
अक्सर तर्कशील जिहड़े ने भूतां प्रेतां नूं जां उह जिहड़े पुराने बाबे भटपाग सिंह वाले डेरे वाले सिर मारदे हुंदे सीगे जां इदां दे हत्था अगे तवीत करके भूत प्रेत कढ दिंदे सीगे, उह पुराने की कहिंदे हुंदे सी उहनां नूं, नाम ही दिंदे हुंदे सी उहनां नूं जिहड़े भूत भूतां कढण वाले, उह बुलाउंदे हुंदे सीगे। उह इक खास किस्म दा वर्तारा करदे सीगे, कोई किदां दा करदा सी, कोई नचदा सी, कोई टप्पदा सी, कोई सिर मारदा सी, कोई कोई संगलां नाल उहनूं कुट्टण लग जांदे सी, बंदे नूं कुट्टण लग जांदे सी, कोई झाड़ फूक करते थे, ये सारे की करते थे, अंदर मानसिक रोगों का ट्रीटमेंट करते थे। बहुत सारे तरकशील उन्होंने माड़ा गिणते हैं, वो बके माड़े भी सके, लेकिन जी अज की सैकटरी जी है मॉडर्न सैकटरी है जिस अंदर की करते जब दवाइया देंगे बड़ी भैड़िया भैड़िया, वो दवाइया का अल्टीमेट बंद दवाइया बंद बंदा जो दवाइया से निर्भर हो जाता है, आदत पै जाती है। और एक तुम जो बंद ने महीना दो महीने तीन महीने दवाई खा ली, उदो बाद जो थोड़े को मुड़ के आता बंदा तो थानू समझ नहीं आती भी बंदा हूँ जो कुछ बीमार हैगा ये बीमारी करके है कि दवाइया करके है, कोई बंदा नहीं समझ सकता। मैं तो जिंदगी समझ नहीं आई जिन्हें सैकटरी के मरीज महीना दो महीने दवाई खा लेंगे हैं उन्होंने हालत यह आ जाती है भी बंद अंदर जो हम लानत ने यह दवाई के साइड इफेक्ट करके आ रही ने कि बीमारी करके आ रही हैं। तो इन भैड़िया जी किस्म दवाइया जीडिया ने थब्बा थब्बा दिखती होंगी पांच पांच सत्त सत्त दवाइया कई बंद उसके ना वह कोई सौन का पैटर्न हों, ना तो कोई जागण का पैटर्न, ना कोई खाण का, ना पहन का, ना वह बिहेवियर कोई कोई मूँह सेरी नहीं बनता। तो इस करके सैकटरी मॉडर्न सैकटरी जी उस तो अगे जो जाओ तो बिजलियाँ ला देंगे, नहीं तो जाओ तो जेल पागलखाने बंद कैद करके जिंदे ला के संगल पा के रख लेंगे। तो इस करके मॉडर्न सैकटरी जी है जिद अंदर उस अगे हम उस अगर सैकटरी डिवेलप कर गई है जिन्होंने साइकोथेरेपी कहते हैं तो बंद ट्रीटमेंट नेचुरल ढंग करते हैं, वो भी आ गई हुई लेकिन पॉपुलर नहीं हुई। मेरा मॉडर्न सैकटरी तो मेरा मतलब जो दवाइया देने वाली सैकटरी है वो मॉडर्न सैकटरी एक नवा स्कूल ऑफ थाट भी आ गया कि जो कहता है कि दवाइया घट तो घट दो लेकिन बंद बंद गल बात करके कुछ हसन ला के नचण ला के टप्पण ला के कोई कोई परिवार को सपोर्ट दे के कोई कोई धर्म के अनुसार कोई पा के उस रूटीन से ठीक करो, वो भी मॉडर्न सैकटरी का पार्ट है। लेकिन वो आम तौर पर दिखेगा नहीं, किसी ने देखा होना भी बंदा साढ़े वर्गे मुल्क खास करके बहरले मुल्क है बहरले मुल्क कहते हैं काउंसलिंग सैकटरी काउंसलिंग कहते हैं सैकटरी काउंसलिंग के अंदर जो घंटा घंटा दो दो घंटे मरीज की गल सुनी जाते हैं और सुना के बंदा जो हल्का फुल्का जहाँ तो बड़ा मशहूर है अमरीका का। अमरीका च एक दो दो चीज़ा बड़ी मशहूर ने हो एक तो उतों के जोड़े यंग यंग बच्चे ने 16-16 साल के वो बड़े टॉर न कहे मेरी अच्छ काउंसलर जी फिक्स है सैशन फिक्स है तो जाएंगे घंटा घंटा दो घंटे काउंसलिंग लैके आने अपने माइंड दलों की माइंड। तो काउंसलिंग की करते हो मेजर काम हों काउंसलर हों की गल सुन सैकटरिस भी सुनते हैं वह की घंटा घंटा सुन रहा सैकटरी आम तौर पर नहीं सुन रहा हों घंटा अपनी गल सुना घंटा गल सुना के पर इन्नी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो शक्ल तो जज नहीं कर सकता पेशेंट भी नहीं सुन रहा असल चो कोई सुन नहीं रहा हों बहुत डीपली नहीं सुन रहा हों क्योंकि डीपली अगर कोई बंदा एक घंटा गल सुने मरीज की नैगेटिव और उस तरह के मरीज दस मरीजों रोज़ देखे तो बंदा तो खुद पागल हो जाएगा। तो इस करके उन्होंने की वो प्रैक्टिस कर उन्होंने प्रैक्टिस हो जाती है अभ्यास हो जाता है तो गल बहुत गहराई सुनते ही नहीं मरीज बोल रहा वो सिर लाई जाएंगे जो कुछ गैस्चर करी जाएंगे जो तो लगूगा कि सुन रहे लेकिन असल चो बड़ा सुन नहीं रहे होंगे अल्टीमेटली अपना जो उन्होंने दवाई देनी होंगी है जो माड़ा मोटा गल जी दो मिनट समझ आ जाती है बाकी उस मरीज अपनी मरीज की कैथरसिस करते हैं कि बोलन दे बोल बोल लेना जो वो फिर मोटी फीस होंगी उन्होंने 200-400 डॉलर तो वह 200-400 डॉलर फीस दे के घंटा गल सुना के अपनी आ जाते हैं खुश होकर भी हाँ असि गल सुनाती उल्टी करते। तो इस किस्म का जो वर्तारा है पूरा जो है वो माइनर इलनेस ने फिर मेजर इलनेस ने तो इस किस्म की जी चलती है सैकटरी के अंदर और दवाइया देने बहुत ज्यादा अजक जी हिंदुस्तान वर्गे मुल्क के अंदर सारा दवाइया देता रमदार है। तुम देखोगे सैकटरी वाले को जाओ बहुत थोड़ी गल समझाने वाली करे करते हैं कुछ सैकटरी इन भी नहीं करते जोड़े करते हैं वो भी 10-15-20% करते हैं बाकी 80% दवाइया देता रमदार है हजार उल्टा होना चाहिए 10-15% दवाइया की मदद लेनी चाहिए 20% बाकी 80% वो गल्ला होनी चाहिए जी कि माइंड जो जो चक्कर चो निकल सके बंदा तो वो जरा ना होने करके अक्सर पाओगे कि सैकटरी के पेशेंट वो जी आप करना है आप करना